Assalamualaikum my YouTube family, today I am making आलू वाले चावल जो बनाने बहुत आसान है। आलू वाले चावल के लिए हमें चाहिए एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, चावल और क्यूब्स में कटे आलू। सबसे पहले हम आयल को गर्म करेंगे। जब आयल गर्म हो जाए तो इसमें हम एक अदद प्याज जो बारीक बारीक कट की हुई है उसको डाल देंगे और प्याजों को ब्राउन करने तक उसका वेट करेंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है और इसमें गरम मसाला जात जिसमें बादियान का फूल, काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची ये डालनी है और लौंग और काली मिर्चें डालनी हैं। अब प्याज गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भूनेंगे थोड़ी देर और इसमें हम डालेंगे क्यूब्स में कटे आलू। और इसमें एक पुलाव मसाला डालेंगे, वो जौन सा आपके पास रिक्वायर्ड है वो डाल सकते हैं। और इसको भूनना शुरू कर देंगे। अब हम चावलों के हिसाब के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे और इसको भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, इसको भूनेंगे थोड़ी देर और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। हमारे पास दो ग्लास चावल हैं और इसके लिए हम डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे, यानी कि 4 ग्लास पानी डालेंगे। 4-5 हरी मिर्चें डालेंगे। जब बॉयल आ जाए तो इसमें हम चावल डालेंगे। चावल में जब बबल आ जाए तो हम इसको दम पे रख देंगे। मज़ेदार आलू वाले चावल तैयार हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।